टीवीएस के थ्री व्हीलर चाहिए तो कुमार ट्रेडिंग कंपनी आइए। जी हाँ, कुमार ट्रेडिंग कंपनी गौशाला के पास जीटी रोड एटा। फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। प्रबंध निर्देशक हैं धर्मेंद्र चौहान। मोबाइल नंबर 9457877449। आप देख रहे हैं पीपीडी खबर। नमस्कार, पीपीडी खबर में आपका स्वागत है। दिल को दहला देने वाली एक खबर उत्तर प्रदेश के जनपद एटा से है। यहां कोतवाली मलावन क्षेत्र के ग्राम दलेलपुर में शुक्रवार को दबंगों की खुली कुंडई देखने को मिली। यहां गांव के ही दबंगों ने पुलिस की मौजूदगी में जमकर लाठी डंडे चलाए और फायरिंग की। पीड़ित परिवार ने इलाका पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। थाना कोतवाली मलावन के ग्राम दलेलपुर में आज शुक्रवार को गांव के दबंगों ने एक पीड़ित परिवार को लाठी डंडों व अवैध असलाहों से पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया और अवैध असलाहों से पुलिस की मौजूदगी में फायर करते हुए मौके से भागने में कामयाब भी हो गए। पीड़ित परिवार के अनुसार आज से करीब एक माह पूर्व दो नाबालिग किशोरियों को भगा ले जाने के आरोप में मलावन पुलिस ने दो आरोपियों को जेल भेज दिया था, जिसमें आरोपी रणवीर पुत्र खचेर सिंह, उमेश पुत्र मोहर सिंह की लगभग एक माह के अंदर ही जमानत हो गई और वह जमानत पर रिहा होकर जेल से बाहर आ गए। फिर बाहर आते ही उन्होंने किशोरियों के पिता व भाइयों पर आज जानलेवा हमला करते हुए लहूलुहान कर दिया, जिस पर मलावन पुलिस मूक दर्शक बनी देखती रही। फिर गांव के मौजूदा प्रधान ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए बताया कि पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न करते हुए हम घायलों को वहीं पर छोड़ दिया गया। फिर हमारे गांव के ही वर्तमान प्रधान ने हम लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराकर इलाज की प्रक्रिया को संचालित कराया। किशोरी के पिताजी ने बताया कि आज से एक माह पूर्व यह दोनों दबंग हमारी बेटी को बहला फुसलाकर घर से भगाकर ले गए थे और हमारी बेटियों के साथ दुष्कर्म भी किए, जिसकी रिपोर्ट मलावन कोतवाली में दर्ज कराई गई, लेकिन मलावन पुलिस ने हल्की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया और 25 दिन के अंदर दोनों की जमानत हो गई और दोनों आरोपी जेल से बाहर आ गए। फिर बाहर आते ही किशोरी के परिजनों के सामने गाली गलौज करते हुए अपशब्दों का प्रयोग किया, जिस पर पीड़ित परिवार ने विरोध किया, जिस पर इन आरोपियों ने पीड़ित परिवार को अपना निशाना बनाते हुए मैं असलाहों से हमला कर दिया और पीट कर लहूलुहान कर दिया। फिर नाजायज असलाह से फायर करते हुए मौके से फरार हो गए। एटा से शुभकुमार पाठक की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीपीडी खबर। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर व लाइक करना ना भूलें। मनोज कुमार जी, क्या मामला हुआ है? ये मामला हुआ 2 अक्टूबर को, हमारी लड़की भगा के ले गया था गांव का ये व्यक्ति। क्या नाम है उसका? उसका नाम मनवीर है। हमने मुकदमा काम किया थाने में। हमने मुकदमा काम करने के बाद उनको जेल भेज दिया गया। 25 दिन के बाद वो निकल आए। हमारी कोई कार्रवाई नहीं थी और पक्की देकर आज हमको मारा। हमारे बच्चों और साथियों को मारा, इसी धमकी देते हैं। क्या नाम है आपका? धर्मवीर सिंह। कौन से गांव के हैं रहने वाले आप? दलेलपुर। ये मारपीट हुई है, क्या झगड़ा हुआ, क्या मामला है पूरा? मारपीट हमारे गांव के एक रणवीर पुत्र खचेर सिंह और उमेश पुत्र मोहर सिंह, निवासी दलेलपुर है। ये दोनों हमारे चाचा की लड़की को, मेरे चाचा की लड़की को, दो लड़कियों को भगा के ले गए थे पिछले महीने की एक तारीख या 2 तारीख, एक महीना हुआ है। उन्हें पकड़ा गया, वो जेल भी गए, एक महीने के अंदर जमानत हो गई उनकी। कल या आज ये दो दिन पहले आए हैं गांव में। तो पहले जो हमारे चाचा हैं लड़की के पिताजी, वो कहते हैं ड्राइविंग करते हैं गाड़ी की, कहीं रुकने ले गए हुए।
पहले उन्हें घेर के मारा है और अपने रिश्तेदारों में पिटवाया था। तो हमें फ़ोन किया गया कि ऐसे ऐसी बात है, तो हम गए चौकी, सहतरी चौकी है, एफ सी था उनके पास। वहाँ उनकी हालत बहुत गंभीर थी, सारा चेहरा ज़रा फोड़ रखा था। तो आपकी मारपीट किसने की है? हमारी मारपीट उनके घर वालों ने, हम गए गाँव में अपने घर वालों को बुलाने, पहले हम गए थे अकेले चौकी में, उसके बाद घर गए। तो वो सब लोग खटियर के घर वाले मोहर सिंह के, सोरन सिंह के, ज्ञानंदर के, ये सब लोग आए, उनके लड़के थे और हम लोग दो तीन लोग थे, हम हमारे चाचा ही लड़के थे दो। उन्होंने हमसे, आप कितने लोग हैं, आपके कितने लोगों को चोट आई है? हमारे चार लोगों को चोट आई है। तो गांव में मारपीट की थी, कहाँ की थी आपकी? हमें हमारे घर के पास, घर के पास खड़े थे, वहीं आके उन्होंने सागर से लोहे की और कलाड़ी थी और एक ऐसी शायद तलवार जैसी थी बड़ी सी लोहे की, उससे कई बार मारा तो मैं गिर गया। फिर तो हमारी चाची आई, उनको भी खचेर ने ब्लाउज वगैरह पकड़ खींचा तो गिर गए। उन्होंने फिर मैं उठ के वहाँ से भागा, फिर दोबारा वो लोग आए, फिर पुलिस भी पहुँच गई, पुलिस के सामने भी फायरबाज की मौजूदगी में भी मारपीट की है। हाँ, हम तो पुलिस वाले दूसरी गली से आ रहे थे और हम लोग भाग रहे थे बचा के, तो वो फायर छोड़ रहे थे हम, तो फायर क्या पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? अब पुलिस तो गांव में गई थी, बोला है कि पहले ट्रीटमेंट कराओ, ठीक है, बस हमें तो गांव के लोग हैं जो वो ले आए हैं अस्पताल में।